रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के घर हुई लाखों की चोरी। सोने और डायमंड के गहनों पर चोरों ने हाथ कर दिया साफ। साउथ सुपरस्टार की बेटी ने एक ऐसे शख्स पर जताया शक जिसका नाम सुनकर पुलिस भी रह गई दंग। 3,60,000 के गहने चोरी करके ले गए चोर। हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी लॉकर से चोरी हो गए गहने। देखिए एक्स हस्बैंड धनुष को लेकर चोरी के बाद क्या बोली सुपरस्टार की बेटी। पुलिस के भी खड़े हो गए कान। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। रजनीकांत और उनकी बेटी सकते में हैं और पूरा परिवार भी सन्न है कि हाई सिक्योरिटी के बीच किसने उनकी तिजोरी को तोड़ने की हिम्मत की। सुपरस्टार की बेटी ऐश्वर्या के घर की तिजोरी से चोरों ने हाथ साफ कर दिया तो फिर सनसनी फैल गई। हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी डायमंड और सोने के गहने चोरी होने की खबर मिली तो फिर ऐश्वर्या ने ऐसे शख्स पर शक जताया कि पुलिस भी सन्न रह गई। पूर्व पति धनुष को लेकर ऐश्वर्या ने कुछ ऐसा कहा कि पुलिस भी यकीन नहीं कर पाई। किसने की है चोरी और किस पर ऐश्वर्या ने जताया शक, आने वाले 2 मिनट में पूरा खुलासा हम करेंगे। बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल पहले बात करते हैं कि धनुष को लेकर ऐश्वर्या ने चोरी के बाद क्या कहा। चोरी के बाद जब पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि वो पहले एक्स हस्बैंड धनुष के साथ रहती थी, वहीं साथ में ही उनका लॉकर था। इसके बाद 9 अप्रैल 2022 को लॉकर को रजनीकांत के पोइस गार्डन स्थित आवास पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब लॉकर में गहने नहीं है। ऐश्वर्या ने शक जताते हुए अपने पर्सनल स्टाफ को सवालों में ला खड़ा किया है और उनका मानना है कि चोरी को अंजाम घर में काम करने वाले नौकरों ने दिया है। हालांकि पुलिस ने धनुष को लेकर भी कई सवाल किए लेकिन ऐश्वर्या ने उन पर किसी भी तरीके का शक नहीं जताया। ऐश्वर्या रजनीकांत के घर से सोने और हीरे के गहने जो गायब हुए हैं उनकी कीमत करीब 3,60,000 रुपए बताई जा रही है। ऐश्वर्या रजनीकांत ने बताया कि इन गहनों को उन्होंने 2019 में अपनी बहन सौंदर्या की शादी में पहनने के लिए लिया था। शिकायत में ऐश्वर्या ने कहा कि उन्होंने गहनों को एक लॉकर में रखा था और जिसकी घर के कुछ नौकरों को जानकारी थी। तेयन मपेट पुलिस ने IPC की धारा 381 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 27 फरवरी को ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ऐश्वर्या रजनीकांत का कहना है कि 10 फरवरी को उन्हें इस चोरी के बारे में पता चला था। ऐश्वर्या ने गहनों की चोरी के लिए नौकरों और ड्राइवर्स पर शक जताया है। ऐश्वर्या का कहना है कि जब हाल ही में वो अपना लॉकर चेक करने गई तो उसमें गहने नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बहन की शादी में गहने पहनने के बाद लॉकर में रख दिया गया था, जिसके बाद लॉकर को 3 जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अगस्त 2021 तक लॉकर को सेंट मैरी स्थित अपार्टमेंट में रखा गया था, उसके बाद लॉकर को CIT कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था। यहां ऐश्वर्या अपने एक्स हस्बैंड धनुष के साथ रहती थी। इसके बाद 9 अप्रैल 2022 को लॉकर को रजनीकांत के पोइस गार्डन स्थित आवास में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब लॉकर में गहने नहीं है। मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस लगातार पूछताछ के जरिए घर के स्टाफ से ही सुराग उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की माने तो जल्द ही पूरे मामले का राजफाश कर चोरी किए गए गहनों को बरामद कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।